असलम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम योर इंग्लिश टीचर सो लेट्स स्टार्ट योर इंग्लिश बुक ओके एप्लीकेशन बुक एट पेज नंबर थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव ओके सो वट आर वी लर्निंग हेयर वी आर लर्निंग अबाउट द लेटर ई ठीक है हम यहाँ पर किस लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं अबाउट लेटर ई लेटर ई इज प्रनाउंसड एज ए Okay, elephant, eh, right, egg, eh, concentrate on the first words, egg, egg, eh, right, elephant, eh, elephant, elbow, eh, elbow, engine, eh, engine, exercise, eh, exercise, okay? सो इट इज प्रनाउंसड एज एकेर हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है हमें बताना है कि जो ये पिक्चर्स है डू दे स्टार्ट और बिगिन विद ई और नॉट ओके सो दर्स्ट पिक्चर दैट वी है से स्टार्ट होती है सो वी डू नॉट है दिस ठीक है आफ्टर दैट वी है पिक्चर ऑफ एन एंजिन एंजिन ठीक है सो दिस वन स्टार्ट्स विद ई ठीक है इंजन ई e से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे इसके अराउंड एक सर्कल बनाएंगे ठीक है इतना बड़ा नहीं बनाइएगा बट स्टिल यू हैव टू मेक अ सर्कल ओके देन वी हैव अ बॉय हु इज रनिंग ये क्या कर रहा है ये रन कर रहा है या ये एक्सरसाइज कर रहा है ए एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज ये किससे स्टार्ट होता है ई e से सो व्हाट वी डू सर्कल अराउंड दिस वन टू ठीक है उसके बाद हमें यहां पर ट्रेसिंग दिखाई गई है ऑफ द अल्फाबेट ई द फर्स्ट एरो गोज फ्रॉम दिस वे ठीक है यहां से आप ऊपर जाएंगे टेक अ टर्न टेक अ टर्न उसके बाद नीचे यहां पे भी छोटा सा टर्न ठीक है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मिडल एंड गो ऑल द वे अप एंड देन ऑल द वे डाउन ठीक है लेट्स डू सम मोर ठीक है फर्स्ट बीच पार्ट से आप स्टार्ट करोगे बीच में से ऊपर ठीक है curve करके जैसे हमने कर्व लाइंस में पढ़ा था curve करके आप नीचे ठीक है एक कर्व यहां पर लगाना है ऊपर की तरफ दूसरा कर्व यहां पर लगाना है नीचे की तरफ फिर यहां पर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ठीक है यू हैव टू टेक थ्री कर्व्स इन टोटल स्टार्ट फ्रॉम हेयर फर्स्ट कर्व Second curve and third curve. Hai? There are three curves in total. Start from here first curve, second curve, and third curve. Theak? In the same way, you have to go down this page. You have to the end of the sentence. E hai. the alphabet E. Hai? After that, what do we have? Color the pictures that begin with the letter E, trace and write E. आपको इनमें से पहले देखना है कौन सी पिक्चर ई से स्टार्ट होती है विच पिक्चर स्टार्ट विद ई वट इज द फर्स्ट पिक्चर एग ए एग ठीक है सो इट स्टार्ट विद ई यू विल कलर एन एग ठीक है आप इसको ग्रे कलर कर सकते येलो कलर कर सकते ऑफ योर चॉइस उसके बाद वी हैव एन एलिफेंट एलिफेंट ए एलिफेंट ए एलिफेंट ठीक है तो ये भी ई से स्टार्ट होता है इसको भी आप कलर करेंगे यू कैन डू एनी कलर ऑफ योर चॉइस मोस्टली ग्रे कलर चाहिए ठीक है लाइट ग्रे वो आप यूज कर सकते हैं इस पे आफ्टर दैट वी हैव डक 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 ठीक है इट स्टार्ट विद डी इसमें ई से स्टार्ट नहीं होता है इट स्टार्ट विद डी तो इसको क्या करोगे यू डो नॉट हैव टू कलर दिस वन ठीक है आफ्टर दैट वी हैव टू डू द ट्रेसिंग अगेन इसमें क्या करोगे फर्स्ट कर्व कर्ेंड कर्व एंड थर्ड कर्व ठीक इन द सेम वे फर्स्ट कर्व सेकेंड कर्व एंड थर्ड कर्व ठीक उसके बाद क्या है आफ्टर दैट यू हैव प्लेन पेजेस आपके पास ट्रेसिंग लाइन्स नहीं है तो आप ट्रेसिंग लाइन्स के बगैर कैसे करोगे वन डॉट सेकेंड डॉट थर्ड डॉट थोड़ा सा पीछे ठीक है आफ्टर दैट आप क्या करोगे यून इट हेयर फर्स्ट ठीक है यहां से वापस इसी सर्कल को ज्वाइन करोगे ऊपर से एंड देन इस वाले के साथ नीचे से ज्वाइन करोगे ठीक है इट विल वन टू थ्री इन दोनों को ज्वाइन करो वापस ज्वाइन करो एंड आफ्टर दैट नीचे से उठाओ ठीक है इट एन ई जो सिंपली बना सकते हो वैसे ही बनाएंगे ठीक है इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट्स फर्स्ट सेकेंड कर्व एंड थर्ड कर्व ठीक है आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यू डम अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टूड दिस वन ठीक है आफ्टर दैट वी हैव अनदर पेज दैट आस्क अस ड्रॉ एनी टू पिक्चर्स दैट बिगिन विद द लेटर ई आपको कोई दो पिक्चर्स बनानी है जो किससे स्टार्ट होंगी ई से स्टार्ट होंगी ठीक है द लेटर ई फर्स्ट वन इट इज वेरी सिंपल आप एक एग बना सकते हैं यू डू नॉट अ परफेक्ट सर्कल ऊपर थोड़ा छोटा नीचे थोड़ा बड़ा ठीक है आफ्टर दैट लाइक दिस बन गया एक एग ठीक है थोड़ा सा लंबा बनाना है यहां से उतना मोटा ज्यादा मोटा बनाना है नीचे छोट कम मोटा बनाना है ऊपर ठीक है थिनर एट एंड दैटर और थिकर एट दी बॉटम ठीक दिस मेक एन एग आफ्टर दैट यू हैव टू मेक एन एल्बो एल्बो के लिए आप क्या करोगे एक लाइन ठीक है अनदर लाइन एक टिक मार्क जैसा आपको बनाना है थोड़ा वन लाइन ठीक है अनदर लाइन बट जितना आप आगे चलोगे आप उतना इसको यहाँ पर पतला करोगे और यूल मेक इट थिनर ठीक है उसके बाद वन फिंगर टू थ्री फोर फाइव राइट फिर यहाँ पर आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो दिस हेयर इज द एल्बो ठीक है आप इस पार्ट को यहाँ पर एल्बो नीचे लिख सकते हो दिस इज द एल्बो एल्बो का मतलब क्या होता है एल्बो वो पार्ट होता है आपकी आर्म का जहां पर आपकी आर्म या आपकी बाजू वहां पे बेंड होती है ठीक है उसको हम एल्बो बोलते हैं एल्बो ठीक है इट ऑल्सो बिगेन्स विद ई यहां पे भी आप एग लिख सकते हो यू कैन कलर दम और इफ यू डोंट वॉन्ट टू कलर यू कैन लीव दम एज सच ठीक है अगर कलर करना चाहते हो कर सकते हो नहीं करना चाहते नो इशूज ठीक है आफ्टर दैट यू हैव टू अगैन राइट द लेटर ई यहां पे आप ट्रेस करो कोई मसला नहीं है इफ यू आर नॉट गुड विद राइटिंग इट परफेक्टली अभी आई टोल्ड यू थ्री डॉट्स जो तीसरा वाला है वो थोड़ा पीछे इन दोनों डॉट्स को मैच करो वापस से उन दोनों को मैच करो एंड लाइक दिस ठीक है सो दिस इज ई जो फ्री हैंड बना सकते हैं विदाउट एनी हेल्प बना सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड ठीक है ई e बन जाएगा ओके सो दैट वॉज अबाउट एप्लीकेशन बुक नाउ वील स्टार्ट आवर कोर्स बुक ठीक है ऑन कोर्स बुक नंबर राइट तो पेज नंबर पे हमें क्या समझ आया फॉर दिसू स्टिक्लू स्टीकाइंड लाइक दिस फेवर कैसल का व्हाइट ग्लू ये भी आप यूज कर सकते हैं यू कैन यूज एनी ऑफ देफ्टर दैट वेव टू डू ए टिश्यू पेपर अब टिश्यू पेपर दैट इज वॉट यू नीड फॉर इट ठीक है इट इज वेरी चीप या आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा ओके अल टिश्यू पेपर सो वॉट विलू स्प्रेड सम ग्लू ऑन द डक आपको डक के ऊपर क्या करना है आपको डक के ऊपर ग्लू लगाना है ठीक है इन दिस वे यूल अप्लाई सम ग्लू देन टियर एंड पेस्ट अ टिश्यू पेपर ऑन इट उसके बाद आपको टिश्यू पेपर को क्या करना है छोटा छोटा काटना है सो दैट इट मेक सम फेदर्स ठीक है ये फेदर की तर तरह थोड़ा लगे उसको आपको फिर क्या करना है स्टिक करना है ऐसे ठीक है अगेन थोड़ा सा काटोगे और उसको भी स्टिक करोगे आपको इसके फेदर्स जैसे बनाने हैं थोड़े ठीक है यूल डू द सेम थिंग विद होल ऑफ द डक कितने पार्ट पे जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट पे आप सारे पे यही करोगे ठीक है कीप इन माइंड यहां तक दिस इज वॉटर इट हैज टू बी ब्लू ठीक है इसको आप स्काई ब्लू डार्क ब्लू जो भी ब्लू आप करना चाहते हो दोनों ब्लूज भी आप यूज एक साथ कर सकते हो डार्क ब्लू भी एंड लाइट ब्लू भी ठीक है आफ्टर दैट यू हैव इट्स बीक इट्स ऑरेंज ठीक है बीक को आपको कौन सा कलर करना है ऑरेंज कलर करना है आइज को आप ब्लैक कलर कर सकते हैं या तो आप ऐसे इसकी आइज सर्कल में फिर यहां पे छोटे से ब्लैक डॉट्स जैसे बना सकते हैं ठीक है सो दैट मेक योर आइज फॉर द डक ऑरेंज फॉर बीक ब्लू फॉर वाटर एंड टिश्यू पेपर और प्लेन पेपर यू कैन यूज प्लेन पेपर एज वेल अगर टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है आप प्लेन पेपर को भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके फिर ऐसे ही लगा सकते हैं ठीक है सो दिस विल बी योर फेदर्स फॉर योर डाक ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आफ्टर दैट वी हैव एक्सरसाइज नंबर टू कलर द बॉक्सेस विद बी रेड एंड डी ब्लू आपको क्या करना है यहां पर आपको बी और डी के बॉक्सेस दिए हुए हैं जिस जिसमें आपको बी दिखेगा आपको उसमें रेड कलर करना है और जिस जिसमें आपको डी दिखेगा आपको उसमें ब्लू कलर करना है ठीक है सो द फर्स्ट वन इट्स बी ठीक है बी के लिए हमें कौन सा कलर करना है रेड तो आप इसमें कौन सा कलर करोगे रेड कलर बॉक्स को ठीक है बॉक्स को आप रेड कलर करोगे देन वी हैव डी डी में आप ब्लू कलर करोगे ठीक है ब्लू देन वी हैव अनदर डी तो डी में फिर से क्या करोगे आप ब्लू कलर यू अगेन कलर इट ब्लू देन अनादर इट्स बी इसमें भी आप रेड कलर करोगे देन वी हैव अ डी डी में आप ब्लू कलर करोगे फिर से बी बी में आपका रेड कलर जाएगा ठीक है सो दिस इज डन रेड ब्लू ब्लू रेड ब्लू रेड ठीक है दिस इज द कलर दैट यू हैव टू कलर दीज बॉक्सिस विद रेड एंड ब्लू आफ्टर दैट देर इज अनादर एक्सरसाइज मेक अ डायनासोर यूजिंग योर फिंगर प्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स मैंने आपको इससे पहले भी बोला आप कैसे लगाओगे पैड ठीक है यूज स्टैम्प पैड फॉर दिस नॉट पेंट पेंट यूज मत करो स्टैम्प पैड यूज करो वो ज्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए ठीक है दैट विल बी मोर इजियर आपको क्या करना है फर्स्ट फॉर अ फेस आप स्ट्रेट लगाओगे एक थम प्रिंट आफ्टर दैट फिंगर्स का प्रिंट नीचे थ्री और फोर उसपे आप स्केल्स बनाओगे जैसे इसकी बनाई हुई है कांटे जैसे ऊपर बनाओगे ठीक है एक छोटी सी टेल लेग्स आर्म्स एंड अ फेस ठीक है आप अपने हिसाब से अगर कुछ और भी बनाना चाहो इसके ऊपर आप बना सकते हो ठीक है आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ठीक है फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप ठीक है टेक केयर अल्लाह हाफिज़